तो बच्चों पिछले लेक्चर में आप समझ चुके हो कि इंटीग्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है, तो हम उसके फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। और आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर के एंड में एक पॉइंट आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन न्यूटन ने भी क्या किया, उसको भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पता नहीं था, पर उसने मेथड क्या लगाया कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है तो मैं इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला उसके थ्रू निकाल सकता हूँ। कैसे होगा समझो, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका अगर y इक्वल टू x पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आपका x पावर n है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स x पावर n माइनस 1। तो दैट मींस इसका इंटीग्रेशन भी तो वापस से x पावर n देना चाहिए ना। तो मैं इसको यूज करके क्या लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ n x to the power n minus 1 dx that should be equal to x power n। न्यूटन ने भी यही किया था कि उसने बोला इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है ये होता है, तो दैट मींस इसका इंटीग्रेशन मुझे x पावर n फिर से देना चाहिए, वही हमने लिख दिया है। अब बस हमें इस फॉर्मूला को रीअरेंज करना है थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपका जो n है ना इसको मैं इक्वेशन के बाहर ले जाता हूं क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर वैसे ही बाहर चला जाता है, मल्टीप्लिकेशन में है वो सिर्फ। अब इस n को आप इक्वेशन के राइट में ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय n आ जाएगा क्या। तो अब मेरे पास एक फॉर्मूला आ चुका है कि x पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x पावर n अपॉन n है। अब जरा यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, इधर पावर कितनी है n माइनस 1, इधर पावर कितनी है n, तो पावर आपकी इंक्रीज हो रही है क्या। मैं यहाँ पे नोट करता हूं आपके लिए, पावर इंक्रीजेस बाय 1। अब एक चीज आप और नोट करो, जो न्यू पावर है वही आपको डिनोमिनेटर में डालनी है, राइट ये न्यू पावर आपकी डिनोमिनेटर में भी जाएगी। अब जरा सोचो मैं n माइनस 1 की जगह अगर मैं कोई दूसरी पावर रख दूं, तो जैसे x पावर m dx, यहां पे n माइनस 1 है उसकी जगह मैंने नया पावर लिया है m, तो आपकी पावर जो है वो इंक्रीज कर रही थी राइट, तो यहां पर भी मेरी पावर इंक्रीज करके m प्लस 1 बन जानी चाहिए। और जो नई पावर है आप उसको डिवाइड भी कर रहे हो, तो यहाँ पे भी मेरी जो नई पावर है m प्लस 1 उसको मैं डिवाइड कर दूं, तो दैट्स इट, ये आपका पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का हो गया है तैयार। तो दैट्स इट, ये आपका y इक्वल टू x पावर m का इंटीग्रेशन हो जाता है x पावर m प्लस 1 डिवाइड बाय m प्लस 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। लेकिन इसमें एक छोटा सा हमें करेक्शन लगाना है, यहाँ पे इसके आगे आप ऐड कर दोगे c, c कोई एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये c क्यों ऐड करते हैं मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा आगे, फिलहाल आप बस फॉर्मूला क्या बनता है उस पर फोकस करो। अब एक और फॉर्मूला लेते हैं हम, y इक्वल टू 1 बाय x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, सर हम y इक्वल टू 1 बाय x को x टू दी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 1 dx आपका हो जाएगा x पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1। अभी आपने सर बोला कि पावर हमको बढ़ानी है तो हमने पावर बढ़ा के प्लस 1 ऐड कर दिया, तो अब यहां पे आप देखो गड़बड़ क्या होती है, आपका माइनस 1 प्लस 1 तो x की पावर 0 हो गई, लेकिन आप देखो जरा डिवीजन में क्या आया, डिवीजन में आपके पास आ गया 0, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो एक्चुअली ये मेथड लगाना गलत हो जाएगा। ओके अब आपको जरा यहाँ पे करना क्या है एग्जैक्टली समझो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स गिवन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स, एंड देयरफॉर बच्चों 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे अगला फॉर्मूला क्या बनाऊंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स इज इक्वल टू ln x, और जैसा मैंने बोला पिछले फॉर्मूला में भी हमें प्लस सी ऐड करना है, ये प्लस सी क्यों ऐड कर रहे हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है। अब जरा यहाँ पे इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, जो हमारा फॉर्मूला 1 था अब उसमें एक एक्सेप्शन जुड़ जाता है, एक्सेप्शन क्या जुड़ता है कि आपकी x की पावर माइनस 1 होने पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, उस केस में आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस फॉर्मूला के साथ एक्सेप्शन में कि एक्सेप्ट x इक्वल टू माइनस 1, आपका
ये फॉर्मूला x की किसी भी पावर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट फॉर माइनस वन। उस केस में हमें क्या करना है, माइनस वन के केस में हमें लगाना है log x। तो आपका थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, अगर y आपका एक कांस्टेंट नंबर है तो उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पे अटेंशन, आप y को लिख सकते हो क्या n, और मैं उसको इंटू वन करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, y इक्वल टू n और y इक्वल टू n इंटू वन तो एक ही बात है। अब आप वन को क्या लिख सकते हो, x टू दी पावर जीरो लिख देंगे क्या, क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। दैट्स इट, यहीं से आपको करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप करोगे y dx, वो हो जाएगा आपका n dx, है ना, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू n x पावर जीरो dx। अब जरा आप यहाँ पे n को ले लो इंटीग्रेशन के बाहर, ओके, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट नंबर है, उसको हमेशा हम बाहर रख सकते हैं। तो x पावर जीरो dx करेंगे। अब जरा देखो ये x पावर n वाला फॉर्मूला बन गया क्या। तो पावर जो है x की वो इंक्रीज करेगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x पावर 0 प्लस 1, और अगेन मैं डिवाइड कर दूंगा 0 प्लस 1 से, ठीक है। आपकी जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वही पावर आपको नीचे डिनोमिनेटर में भी डालनी है, ओके। अब आगे क्या, ये n यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, तो मुझे फाइनल रिजल्ट में भी n मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे रखना पड़ेगा, और एंड में मैंने आपको क्या बोला, ऑलवेज एड सी। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको क्या मिलता है, यू विल गेट एन एक्स प्लस सी, ओके। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस वन प्लस वन पॉइंट फाइव थर्टी सिक्स, कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है। तो आपको हमेशा कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, सेम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई एक्स और प्लस सी कर देना है। तो आपका फोर्थ फॉर्मूला है y इक्वल टू e पावर x, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो याद करो e पावर x का मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन जो होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज अगेन e पावर x, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x शुड बी अगेन e पावर x। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx इक्वल टू e पावर x प्लस सी, इसको कभी मत भूलना। आपका फिफ्थ फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला y इक्वल टू साइन x, और बच्चों साइन x किसका डिफरेंशिएशन है। पहली बात तो cos x की अगर हम बात करें तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, एंड देयरफॉर माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होना चाहिए cos x। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x dx इज इक्वल टू cos x। अब मैं इस फॉर्मूला को जरा रीअरेंज करता हूँ, जो माइनस साइन है आपका, क्या मैं उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और अब ये माइनस साइन लेफ्ट में है, तो मैं उसको अगर राइट में शिफ्ट करूं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो देन आई गेट अगेन माई नेक्स्ट फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और प्लस सी लगाना मत भूलना, ठीक है। याद रखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है वाई इक्वल टू कॉस एक्स, और न्यूटन की तरह सोच के देखो, पहले तो आप बताओ कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स होता है ना, एंड देयरफॉर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन शुड बी साइन एक्स, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बिकम्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें तो कुछ रीअरेंजमेंट करना नहीं है, तो मैं प्लस सी लिख के छोड़ दूं, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे ना बच्चों को काफी कंफ्यूजन आता है, इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, पहले से ही आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो। हमने अभी तक सब कुछ डिस्कस जो किया है उसके हिसाब से साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या है, वो होता है कॉस एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप अभी जस्ट सीख चुके हो, उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों आपको नहीं रखना है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के केस में कई बार बच्चे साइन में मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस लेने में मिस्टेक करते हैं, तो आप कोई मिस्टेक मत करो, ये अच्छे से याद रखो। तो सिमिलरली मैं बाकी सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का आपको इंटीग्रेशन का तरीका बता दूं क्या होगा। पहली हम बात करें टेन एक्स की, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, एंड therefore sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा tan x के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx is tan x, और हमें करना है प्लस c। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला क्या है, आपका cot x अगर मैं लेता हूँ
तो उसका डिफरेंशिएशन बच्चों होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो देयरफॉर आपका कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। और अगर मैं माइनस साइन यहाँ से हटा के राइट में शिफ्ट कर दूं तो मुझे माइनस साइन सामने की तरफ लगाना होगा, तो मैं यहां लिख दूंगा माइनस कॉट एक्स और प्लस सी आपका कॉन्स्टेंट हमेशा ऐड कर दो, ठीक है। अब आपका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, वो होता है आपका टेन एक्स सेक एक्स, एंड देयरफॉर इनका इंटीग्रेशन आपका फिर से sec x देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx इज इक्वल टू अगेन sec x, ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है। अब एक और फॉर्मूला आपका कौन सा था, cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या है, माइनस cosec x cot x, एंड देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन आपको फिर से कोसेक एक्स देना चाहिए। तो अगेन आपको माइनस साइन जो है वो इधर शिफ्ट करना पड़ेगा जैसा आप अभी तक करते आए हो। तो यहाँ पे आप फाइनल लिख दोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो ये आपके कुछ और फॉर्मूला यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बन चुके हैं। इसके अलावा लिस्ट काफी लंबी है पर प्राइमरीली हम इन फॉर्मूला पे ही फोकस रखते हैं, और जब धीरे धीरे कोई नया फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ी क्वेश्चन में लगाने की तो उस समय हम वो डिस्कस कर लेंगे, ओके? बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है, एवरी वीक 3-4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करें तो कहानी कहां पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहां पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है, आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं। आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।